हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी, जिसको आप क्या बोलते हैं, भूगोल। ये आपका प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, अंग्रेजी में बोले तो जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसमें हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो आपका अतिलघुत्तरी प्रश्न रहेगा और यह एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा जो है 46 से लेकर के 50 प्रश्न तक रहेगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर सब सबका आपको देखने को मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है गिरिपद पठार, क्या होता है, या फिर पीडमांट पठार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, लिखा गया है पर्वत के पदों में स्थित, पदों का मतलब पर्वत के निचले भाग में ना, जहाँ पर्वत के पैर होते हैं, वहां जहां से पर्वत उठा हुआ होता है, वहां कह रहा है कि पर्वत के पदों में स्थित अथवा पर्वत माला से जुड़े हुए पठारों को, जिनके दूसरी ओर मैदान या समुद्र हो, गिरिपद पठार कहते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसा पठार जो पर्वत के पदों में हो, पर्वत के पाद में हो, मतलब पर्वत के निचले स्थान पे हो, या फिर पर्वत मालाओं से जुड़े हुए पठारों को, लेकिन हाँ जिनकी दूसरी ओर क्या होना चाहिए, मैदान या फिर समुद्र हो, उसको क्या बोलते हैं, गिरिपद पठार कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है इन पठारों का क्षेत्रफल प्रायः कम होता है। भैया, जो ऐसे पठार होते हैं इनका क्षेत्रफल अक्सर क्या होता है, कम होता है, और इन पठारों का निर्माण जो होता है कठोर शैलों से होता है, और जो पठार होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो कठोर शैलों से मिलकर होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो ज़रूरतमंद हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्या है, इधर पर्वत हो गया, पर्वत के निचले हिस्से में है ना, पाद मतलब निचला हिस्सा, पर्वत के निचले हिस्से में, दूसरी तरफ आपका समुद्र भी है, ये वाला पठार आपका क्या होगा, गिरिपद पठार होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भू समतलीकरण को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, 2023 में। क्या प्रश्न है, भू समतलीकरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए लिखा गया है भू समतलीकरण से आशय है ऊंची नीची जमीन को बराबर करके उसकी मेड़ को बांधना, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति एवं जल धारण करने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है जो भू समतलीकरण, मतलब भू समतलीकरण का मतलब होता है भूमि को बराबर करना, जो भूमि ऊंची नीचे रहती है, उठी उबड़ खाबड़ रहती है, उनको बराबर करके चारों तरफ मेड़बंदी की जाती है, ताकि भैया जो जमीन की उर्वरा शक्ति रहे वो बनी रहे, और उसको जल धारण करने की क्षमता है वह बढ़ सके। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, इस तकनीक के अंतर्गत हल्के ढलान वाली उबड़ काबड़ भूमि को कृषि उपकरणों की सहायता से समतल कर कृषि योग्य बनाया जाता है। यानी भैया इसमें क्या होता है, यानी भू समतलीकरण में क्या होता है, इस तकनीक के अंतर्गत जो हल्के ढलान वाली उबड़ खाबड़ जमीन होती है, उसको कृषि यंत्रों की सहायता से बराबर किया जाता है, यानी समतल किया जाता है, ताकि उस पर बढ़िया से कृषि किया जा सके। ठीक है, आगे क्या है, भू समतलीकरण मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ साथ भूमि में नमी का भी वितरण बराबर करती है। यानी भैया जो भू समतलीकरण है, इसे होता क्या है, मिट्टी का कटाव भी रुकता है और मिट्टी में नमी भी बराबर जो है चारों ओर हमेशा बरकरार रहती है, बनी रहती है। ठीक है, आगे क्या, समतलीकरण कृषि कार्य हेतु उपयुक्त आधार भी प्रदान करती है। यानी भैया जो समतलीकरण है, इससे क्या होता है, कृषि काफी ज्यादा बढ़ती है, कृषि के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। क्या है भैया कि आपका संप्रदाय मैदान क्या होता है, प्रश्न क्या है, संप्रदाय मैदान क्या होता है, ऐसे भी पूछ लेगा, या फिर पेनी प्लेन पूछ लेता है कि पेनी प्लेन क्या होते हैं, हिंदी में ही लिख के पूछ लेता है, पेनी प्लेन क्या होता है, या फिर संप्राय मैदान क्या होता है। तो देखिए, देखते हैं क्या लिखा गया है। डेविस ने पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, अगर पूछा जाए
कि पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग संप्रदाय मैदान का इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो क्या बताएंगे, डेविस महोदय ने, ठीक है ना। दिया गया है संप्रदाय मैदान जो है प्रवाही जल यानी नदी के द्वारा ना नदी के अपर्दन के द्वारा जो है बनाया गया एक प्रमुख स्थल रूप है। यह अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था है और यह भैया कब बनता है, जब आपका अपर्दन चक्र समाप्त होने वाला होता है, ठीक है ना, तब एक इसके इसका निर्माण होता है। आगे दिया गया है यह मैदान नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन कार्यों से निर्मित होते हैं। यह जो मैदान हुआ है यानी संप्रदाय मैदान जो है अपर्दन के नदियों के द्वारा किया गया अपर्दन कार्य जो होता है उसके द्वारा निर्मित होता है। इनकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है, यानी जो समतल क्षेत्र रहता है वहाँ छोटे छोटे टीले उठे रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, यानी जब नदियां जो होती हैं अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, तो संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। तो पूरा का पूरा भूभाग जो होता है भैया संप्राय मैदान में क्या होता है, बदल जाता है, पेनी प्लेन में बदल जाता है। करा यद्यपि इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर शैलों के रूप में दिखाई भी पड़ते हैं, यानी कहीं कहीं क्या है कुछ कठोर जो है शैल जो है उबड़ खाबड़ दिखाई भी देते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ये भी काफी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए लिखा गया है, जो पर्वत ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के जमा होने से बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत या फिर संग्रहित पर्वत कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे संग्रहित पर्वत पूछे या फिर ज्वालामुखी पर्वत पूछे, दोनों की डेफिनेशन सेम लिखनी है, ठीक है। क्या है कि जो पर्वत ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के जमा होने से बनते हैं उन्हें ज्वालामुखी पर्वत या फिर संग्रहित पर्वत कहते हैं, ठीक है। आगे, हवाई द्वीपों का जो मोनालुआ है या फिर म्यांमार यानी वर्मा का जो माउंट पोपा पर्वत है या फिर इटली का जो विशुबिवस है या और जो आपका इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी है तथा जापान का जो फ्यूजियामा है, ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत है आपका, ठीक है ना। ज्वालामुखी यहाँ उद्गार पे जो निकलते हैं, जो लावा बनता है, इससे जो पर्वत बनता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अगला आपका क्या है, भ्रंश खंड पर्वत। ये भी क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। भ्रंश पर्वत या फिर भ्रंश खंड पर्वत के नाम से पूछा जाता है। देखिए लिखा गया है, जिन पर्वतों का निर्माण दो भ्रंशों के बीच की भूमि के ऊपर उठने, क्या, जिन पर्वतों का निर्माण दो भ्रंशों के बीच यानी दो भ्रंश है उनके बीच की भूमि के ऊपर उठने अथवा भ्रंशों के बाहर की भूमि के बैठने के कारण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, भ्रंश पर्वत या फिर भ्रंश खंड पर्वत कहते हैं। मतलब ऐसे पर्वत जिनका निर्माण क्या होता है, दो भ्रंशों के बीच की जो भूमि होती है उठ जाती है या फिर उसके भ्रंशों के बाहर की भूमि जो होती है नीचे बैठ जाती है, तब जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत कहते हैं। चित्र देख लेते हैं, सबको सबको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये भ्रंश है, इसके बीच की भूमि ऊपर उठी है, नीचे की भूमि क्या है, बाहर की भूमि क्या है, नीचे धसी है, आपका क्या है, खंड पर्वत यानी भ्रंश खंड पर्वत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाद्वीपी पठार है दोस्तों, पवार नहीं, क्या है, महाद्वीपी पठार, इसको पठार बना लीजिएगा, ठीक है ना, महाद्वीपी पठार, पठार, ठीक है ना, महाद्वीपी पठार है। तो देखिए लिखा गया है, धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने अथवा लावा की परतों के जम जाने से बने पठार महाद्वीपी पठार कहलाते हैं। क्या है, धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने से, जो भैया पृथ्वी के जो धरातल के काफी बड़े भूभाग अगर ऊपर उठ जाते हैं या फिर लावा के परतों के जम जाने के कारण जो पठार बनते हैं उन्हें महाद्वीपी पठार कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का जो लावा पठार है, ठीक है, उत्तर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्नेक नदी का पठार है, ठीक है, इस प्रकार के पठारों के उदाहरण है, मतलब यह जो है महाद्वीपी पठार के उदाहरण है। आगे, इनको निक्षेपण के पठार भी कहते हैं, पवार हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इनको जो है निक्षेपण के पठार भी कहा जाता है। आगे क्या है, महाद्वीपी पठार जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से स्पष्ट ऊपर ऊंचे उठे दिखते हैं, ठीक है,
दिखते हो गया दिखते हैं आगे, इस प्रकार के पठारों का विस्तार जो है सबसे अधिक होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा लास्ट यानी आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है ये देख लीजिए आपका, सॉरी अभी गिरिपथ पठार भी पढ़ना है आपको। ये देखिए आपका क्या है, महादेवी पठार है, ठीक है ना, ये आपका क्या है महादेवी पठार है। अगला क्या है अंतरा पर्वती, क्या है अंतरा पर्वती पठार, जो कि आपका लास्ट प्रश्न, ठीक है ना, इसको देखेंगे हम। तो देखिए लिखा गया है चारों ओर से ऊंचे, क्या है चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से पूरी तरह या आंशिक रूप से घिरे भूभाग को अंतरा पर्वती पठार कहते हैं। क्या कह रहा है कि चारों ओर से, ठीक है ना, चारों ओर से ऊंचे पर्वत श्रेणियों से या फिर पूरी तरह या फिर थोड़ा बहुत जो पर्वत भूभाग जो घिरा रहे उसी भूभाग को क्या बोलते हैं अंतरा पर्वती पठार कहते हैं। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 3000 मीटर होती है। तिब्बत का जो विस्तृत पठार है जिसकी ऊंचाई कितनी है भैया 4500 मीटर है, ऐसा पठार जो है अंतरा पर्वती पठार का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये पठार जो है अंतरा पर्वती पठार का ही एग्जाम्पल है। ये देख लेते हैं आपका फिगर, ये देखिए अंतरा, दोनों तरफ से श्रेणियां उठी हैं, बीच में आपका अंतरा पर्वती पठार है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेंगे इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।